कटिहार जिले के कई प्रखंडों में स्वास्थ्य केंद्रों में तालाबंदी है। उन्हीं में से एक प्रखंड है अहमदाबाद, जहां किशनपुर पंचायत के एक नंबर में स्थित स्वास्थ्य केंद्र की खूबसूरती बाहर से देखने लायक है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटक रहा है और यही तालाबंदी सरकार के तमाम दावों की पोल खोलती है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की बात करने वाली सरकार के स्वास्थ्य केंद्र की पोल तब खुल जाती है जब अस्पताल खुद बीमार पड़ा होता है। कई कई दिनों स्वास्थ्य केंद्रों में सफाई नहीं होती है, जगह जगह घास उगाते हैं, खिड़की के दरवाजे टूटे फूटे पाए जाते हैं, यानी कुछ हो ना हो बिल्डिंग शोभा की वस्तु जरूर है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब किशनपुर पंचायत के एक नंबर के स्वास्थ्य केंद्र में किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं है ही नहीं, तो फिर वहां पंचायत वासियों का इलाज कैसे होगा। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य केंद्र में ना तो कोई बोर्ड लगा है और ना ही कोई डॉक्टर या ANM या कोई सफाई कर्मी ही पहुंचता है। 15-20 दिन से बंद है, खुलिए नहीं रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है, कोई स्टाफ नहीं आता है, बंद है एकदम। 15-20 दिन से कोई देखने वाला ही नहीं है, रोगी मर रहा है कैसे ला। इससे पहले तो आता था, सुई हुई दे के जाता था कोरोना का, लेकिन अभी आ ही नहीं रहा है 15-20 दिन से। ये शनिवार था और शायद मंगलवार था, सप्ताह में 2 दिन खुलता था, लेकिन वो भी नहीं खुल रहा है। बोला स्टाफ का कमी है, अभी 2 दिन खुलेगा सप्ताह में। रहता नहीं है, गरीब लोग हम लोग हैं, समस्या कुछ होता है तो मनिहारी कटिहार जाने होते हैं, यहाँ तो डॉक्टर ही नहीं आता है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के इस दौर में इस तरह से स्वास्थ्य केंद्रों का बंद रहना सरकार की विफलताओं को दर्शाता है। जरूरत है अहमदाबाद के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस पर एक्शन लेने की, ताकि लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं से उन्हें वंचित ना होना पड़े। शशि कुमार, टाइम्स न्यूज, अहमदाबाद।